अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं चाविस। जैसे कि हम लोगों ने रिसेंट वीडियो में हमने कहा था कि संगे माह का हम लोग टीजर्स भी रिएक्ट करेंगे, टीजर्स देखेंगे। इसके चार टीजर्स हैं जितना मुझे पता है, 4 टीजर्स के हम लोग बैक टू बैक रिएक्शन देंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं करेंगे। संगे माह के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, जो कि हमारे OST की वीडियोस में आप जाके देख सकते हो, संगे माह OST रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। ये फोन में इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनका काम है, इसलिए देख रहे हैं, ये कुछ ड्रामा के बारे में सर्च कर रहे हैं। संगे माँ का मतलब दिख रहा था मैं, संगे मरमर तो होता है, संगे माँ एक वोश बेसिकली एज पर द विकिपीडिया एक पर्ल होता है जो कि एक रेयर मछली के सर पे एक स्टोन होता है, ओके, उसको संगे माँ कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे संगे माँ का जो रेफरेंस है यहाँ पे वो है कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत रेयर है, जो को हमको मिल नहीं सकती, और जो जिसको मिलने में बहुत मशक्कत लगती है, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड, मोर रेयर देन संगे मरमर बेसिकली। तो शायद वो वाला कुछ इसमें होगा। लेट्स सी क्या है। इट्स अ फर्स्ट टीजर, टीजर नंबर 1। अच्छा, कितने टीजर्स हैं? महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में है, एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है, मतन की रोशनी में है, हम तुझे गर्दन से पकड़े, किधर का बच्चा है, बीच में खड़ा हूँ मैं, जिद पे हूँ बड़ा हूँ मैं, दोनों से लड़ा अपने बाप का बदला लेने के लिए पुलिस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह पर थूक देना। क्या बात है। ड्रामा सीरियल संगे माँ जल्द आ रहा है। 2 महीने पहले अभी कितने एपिसोड्स आए हैं? आई थिंक 4 या 5 आ चुके हैं ऑलरेडी। क्लियरली इंडिकेशन, यू नो, रिवेंज, बदला। ओके, सो टीजर नंबर 3। फिल्म ने कहा है कि आज ही को बता दो, ए भालो, तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है, तू सीढ़ी कच्ची है, इधर छत पकी है, तू सीढ़ी कच्ची है, पागल हो गया है। सिटी हॉस्पिटल कमरा नंबर 714। खान के पिता सब कच्चे हैं। उनके पत्ते जख्मों पे बांधेंगे। एक हफ्ते में पक्के हो जाएंगे। ड्रामा सीरियल संगे माँ। या दिस वाज द सम डिफरेंट कलर। या अमेजिंग बैकग्राउंड स्कोर। टीजर नंबर 4 एंड द लास्ट टीजर। एक दफा का जिक्र है कि सबको दुल्हा के कुत्ते ने दुल्हनी को काटी, फौरन जिरगा बैठे और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो गई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा, दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हुकूमत ने गा किया और जिरगा उसके कदमों में आके बैठ गया। ड्रामा सीरियल सब। मुझे राइटिंग स्ट्रांग लगती है, कोई ऐसे लूज डायलॉग्स नहीं है। समझ नहीं आया एक्चुअली, आई नॉट एनी कॉम्प्रिहेंड व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, बट या टीजर 4 थोड़ा है, मतलब अच्छा है, बट यू नो should watch it again उसे एक सही तरीके समझने के लिए। no but see we have got what we wanted basically, yeah. We just wanted to have a peek into the what exactly happening there, but yes, as usual, कौन है production, कुछ पता है production के बारे में? हम टीवी, एंड हम टीवी के ड्रामास तो हम लोगों ने काफ़ी आई थिंक
बहुत सारे इसके ऊपर हमने रिएक्ट किए हैं ना। मुझे जो इनके बहुत इनके जो ये हैं वो मुझे लगते हैं इनके जो एक हाई लेवल के जो बनाते हैं ये, इनका एक प्रोडक्शन हाउस है, मुझे वो लगता था मुझे दैट इज सेवेंथ, सेवेंथ स्काई खुदा और मोहब्बत वाले। तो वैसा ही मुझे एक लगा, बट बट अगेन इट कुड बी एनीबडी, बट यस आतिफ असलम के जो ही इज अ राइटर ऑफ एहदे वफा आल्सो, यू नो यू रिमेंबर एहदे वफा, ऑब्वियसली एहदे वफा का मुझे ओएसटी बहुत पसंद है मेरे, मैं हमेशा फोन पे सुनता हूँ वो, जब भी से वॉक पे निकलता हूँ। कुबरा खान, आई नो हर, हानिया आमिर, नौमान एजाज, सानिया सईद, उमराना, ओके, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन ड्रामा द लेजेंडरी आतिफ असलम। आई लव द स्टार कास्ट, स्टार कास्ट बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक आतिफ असलम इज अ फायर इन दिस ड्रामा, इज अ फायर। ऑब्वियसली ही इज नॉट लाइक अ मेन स्ट्रीम actor, yeah, but exactly he has brought a lot of USP into this because of his presence only. Unki presence hi bahut badi baat hai. Jo kamal karna tha unhone gayaki mein apni awaaz mein, ye already itne gifted hai na ye, aur unhone aise nahi nikhara bhi hai unhone actually apni awaaz ko bahut zyada over the years mein dekha hai maine, over the years dekha hai ki Aatif Aslam has gone really very very great heights pe gaye hain. Teaser number 1 mein jo ga rahe the na, jo bahut mamla sangeen hai, mamla rus aur cheek ekdam raw awaaz mein wo Yes, yes. और वो यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं कि एकदम उन्हों मोटी आवाज में वो exactly. उनके जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को दिखाने के लिए उन्हों एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस दिखा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ पर बहुत ही रॉ रखा गया था वो टीजर वन में उनका आवाज, एंड आई थिंक वो एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट भी था टीजर वन का जो कॉन्सेप्ट, मुझे चार टीजर में जैसे पहला टीजर का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके पूरे कैरेक्टर्स को उन्होंने दिखाया भी और साथ में वो पीछे वो चल रहा था कि दे आर इंडिकेटिंग समथिंग, ये चीजें ये चीजें फोक सॉल में गा रही थी, बट गुड, या आई जस्ट लव द लुक ऑफ नौमान एजाज एंड आतिफ असलम इन दिस, एंड द लोकेशंस आर आल्सो ग्रेट, या या इट लुक्स वेरी यू नो टाइप ऑफ एक गांव विलेज समथिंग, बहुत और इंडिया का रेफरेंस कुछ है यहां पे, और जो हमने देखी थी वहां पे जो बोलना हमने ओएसटी में वो गुरुद्वारा भी देखा था ना, जो या 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 व्हिच इज या या नहीं मुझे पता नहीं शहनाई का जो एग्जिस्टेंस है वहाँ पाकिस्तान में कितनी हद तक है, यहाँ पे तो शहनाई हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज्यादा होती है, हमको मिलने लगती है, संडे आ गए कहीं से गुजर गए तो शहनाई की आवाज़ मुझे परसों सुनाई दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे पहली बार शहनाई को सुना, एंड दैट वॉज रियली ग्रेट, या बिस्मिल्लाह खान साहब की या पाकिस्तानी ट्रेडिशनल वेडिंग्स में एक ट्रेडिशनल मतलब क्या है, मतलब यहाँ जैसे कि हो गया शहनाई हो गया और ढोल हो गया समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर क्या होगा, आई थिंक ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही वैसे ही कुछ होगा, बिकॉज हमने पाकिस्तानी ड्रामा अब तक मैंने वेडिंग्स में कुछ देखा नहीं है वैसा, मैंने सॉन्ग्स देखे हैं यू नो टाइप ऑफ नहीं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है जैन सोहेब का जो हम इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं वहाँ पे मैंने वो खवाली यहाँ जो गाते हैं वो वहाँ पे मैंने गौर से देखा था वहाँ कल्चर, वहाँ पे ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की तो इस्तेमाल नहीं होता, एक बेसिकली एक खवाली होती है जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, खवाली उतना ही हो महफिल होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ बचता रहता है, ऐसे नहीं है, और पाकिस्तान में भी ऐसा भी नहीं है कि अगर आर्टिस्ट गाता रहे और वो अपना काम करते रहे, जब वो गाता है महफिल तो महफिल में बैठते हैं वो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा, हम यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं उसको, ऑर्केस्ट्रा तो मतलब उसका मतलब कोई और है, कुछ और है, बट यहाँ पे जो उसको ऑर्केस्ट्रा ही कहते हैं उसको, वेडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ऑर्केस्ट्रा यूज़ होता है बहुत सारा, जहाँ पर यू नो कैरोकेज यूज़ होते हैं, मतलब लाइव सिंगर्स, नहीं नहीं ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा का मतलब ही नहीं पता है यहाँ के हमको, और ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है जहाँ पे वो बहुत सारे सेलो होता है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वॉयलिंस होते हैं, एक उसका अरेंजमेंट होता है, उनका प्लेसमेंट होती है, सारे नोट्स फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब जो कि एक इंसान के अपने कंट्रोल में हो और जैसे वो चाहे उसको प्ले करवाए, यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है, एक स्टेज होता है वहाँ पे करोगे प्ले करते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ पे ऐसे एक्टिंग करते हैं कि वो प्ले कर रहे हैं, कुछ प्ले होता नहीं उनके, वो करते भी नहीं है वो, उसके बाद क्या होता है कि वो सिंगर गाना गाता है और वो गाना गा रहा है तो लोग अपने आप अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा नहीं ट्रेडिशनल वेडिंग्स में, यू नो ट्रेडिशनल इन द सेंस नॉट द पीपल जो कि एक्चुअली ये सब चीज़ों से बाहर निकल गए, वो लोग प्रेफर नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते, बट आज भी चलता है उस तरीके का यू नो थिंग, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें ये ढोल वगैरह वगैरह सब काफ़ी चल रहा है, सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। या हम लोग किसी और ट्रैक में चले गए, सो कमिंग बैक टू द ड्रामा, आई थिंक ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है,
अभी तो इसके 4-5 एपिसोड आए हैं और मुझे इसके बारे में कुछ रिव्यूज या फिर मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में. सो डेफिनेटली थोड़े दिन के बाद पता चलेगा. बिकॉज बेसिकली मैं क्या होता है कि मैं मुझे वो इंतजार नहीं होता. मैं हर वीक में एक एपिसोड देखूँ मैंने वो नहीं होता. जो भी ड्रामा मुझे देखना है जिसका जैसे उसका फाइनल एपिसोड आता है मैं उसको बिंज वॉच कर लेता हूँ. जैसे कि रिसेंटली परिजात मैंने देखा था. इट्स एन अमेजिंग ड्रामा. यू मस्ट वॉच दैट ड्रामा. नो बहुत ही अमेजिंग. आई थिंक एक लेसन है लाइफ के लिए. बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की गई है. सो ऐसे ही आई थिंक लुक्स इंटरेस्टिंग. देखेंगे कुछ दिनों के बाद. सो या मेरे तरफ से तो इस ड्रामे को. Yes, same here. So yeah, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस इज मोहम्मद शाहवीज, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.